ओम शांति। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू हिनाज कुक बुक। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मेथी पाक, जो सर्दी की सीज़न में खाया जाता है और प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाता है। सर्दी की सीज़न में खाने से डाइजेशन पावर अच्छा रहता है और खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेथी पाक बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। देसी घी एक बाउल, गेहूं का आटा एक बाउल, गुड़ आधा बाउल। घी और गेहूं के आटे का नाप सेम रहेगा और गुड़ का नाप गेहूं के आटे से आधा है। ये हमने बाउल से लिया है तो बाउल का नाप यही रहेगा। मेथी पाउडर 2 टेबलस्पून, जो हमने मेथी को अच्छे से कपड़े से पोंछ के ग्राइंड करके लिया है। ग्रेट किया हुआ सूखा टोपरा 1 बाउल, गोंद 2 टेबलस्पून, पिपरा मूल 2 टेबलस्पून, सौंठ पाउडर 2 टेबलस्पून, ड्राई फ्रूट पाउडर 1 बाउल। इसमें हमने काजू, बादाम और मगजतरी के बीज लिए हैं। काजू 10 नंग, बादाम 10 नंग और मगजतरी के बीज 1 चम्मच। तीनों को हमने रोस्ट कर लिया है घी में और बाद में पाउडर बना लिया है। इलायची पाउडर 1 टीस्पून, केसर हाथ से मसल के 1/4 टीस्पून, खसखस 1 टेबलस्पून। तो फ्रेंड्स, अब हम मेथी पाक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए गैस स्टार्ट करके तवे में हम पहले थोड़ा घी डाल के गोंद को फ्राई कर लेते हैं। घी को थोड़ा गर्म होने देते, 1 दाना गोंद का डाल के हम देख लेते घी अच्छे से गर्म हो गया कि नहीं। तो अब हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है तो उसमें हम गोंद को फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। गोंद हवा लगा हुआ नहीं होना चाहिए और उसको फ्राई करते समय एकदम क्रिस्पी करना है। अब हमारा गोंद फूल के एकदम फ्राई हो गया है तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। गोंद को हम उसी थाली में निकालेंगे जिसमें हमें मेथी पाक को बनाना है, क्योंकि वो भी साथ में ग्रीस हो जाए। गोंद को प्लेट में निकालने के बाद सिलबट्टा या कोई भी फ्लैट कटोरी से उसको अच्छे से चूरा बना लेते हैं। उसका एकदम से बारीक चूरा नहीं बनाना है। गोंद हमने चूरा करके रेडी कर लिया है तो हम आगे की प्रोसेस करते हैं। जिस तवे में हमने गोंद फ्राई किया था उसी तवे में हम बाकी का घी डाल के, गेहूं का आटा डाल के हम उसको अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। आटा रोस्ट करते समय हमें घी कम लगे तो हम थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। इसको हमें मीडियम आंच पे सेकना है। घी थोड़ा अब भी कम लग रहा है तो हम थोड़ा डाल देंगे। आटे को हमें तब तक सेकना है जब तक उसकी खुशबू बाहर ना आए और आटा थोड़ा ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हो घी और आटे का मिश्रण ऐसा एकदम ढीला होना चाहिए, कम घी नहीं होना चाहिए। आटा हमारा आधा से ज़्यादा सेक गया है तो अब इसमें हम मेथी का पाउडर और खसखस यानी पॉपी सीड डाल के अच्छे से 1 मिनट सेक लेते हैं। सर्दियों में हमें कई तरह की परेशानी रहती है, जैसे कि कमर दर्द, घुटनों का दर्द, हड्डियों का दर्द, तो इस मेथी पाक आप घर पे जरूर बना के खाइए तो फ़ायदा होगा। ये मेथी पाक में हमने जितनी भी सामग्री डाली है वो सब शरीर के लिए विंटर में अच्छी है, जिससे पूरी साल की एनर्जी जमा होती है, इसीलिए ये विंटर में खाना ही चाहिए। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट पाउडर और सूखा टोपरा का, जो हमने खमन बनाया था ग्रेट करके, वो डाल के
फिर से अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। इसको हम स्लो आंच पे अच्छे से एक दो मिनट सेक लेंगे। और लास्ट में हम सौंठ पाउडर, पिपरा मूल, इलायची पाउडर, केसर और हमने जो गोंद फ्राई करके रखा था वो डाल के हम अच्छे से हिला लेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और गैस की आंच को बंद कर देंगे। गैस की आंच को बंद करने के बाद हम इसको आधी मिनट या एक मिनट का रेस्ट देंगे। एक मिनट रेस्ट देने के बाद अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। इसमें हमने देसी गुड़ डाला है। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि गुड़ और ये सारा मिश्रण अच्छे से मिल जाए। गुड़ हम अपने हिसाब से ज़्यादा कम डाल सकते हैं। गैस की आंच चालू रख के हम गुड़ डालेंगे तो मेथी पाक चिवड़ यानी कड़क हो जाएगा। तो सॉफ्ट बनाने के लिए गैस की आंच को बंद करके हमें उसको आधी मिनट या एक मिनट का रेस्ट देना है। बाद में हम गुड़ डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इस मिश्रण को मेथी पाक का आकार देने के लिए एक डिश में डाल के उसको एक स्मूथ लेयर बना लेते हैं। स्पिचुला या कोई भी चम्मच से हम एक अच्छा सा लेवल बना लेते हैं। अब हम शार्प नाइफ से उसका आकार दे देते हैं। हम यहाँ स्क्वायर बनाएंगे। आपको जो भी शेप अच्छा लगे वो बना सकते हैं। आप इसको लड्डू का आकार भी दे सकते हो। थोड़ा गर्म हो तभी उसको लड्डू का आकार देना पड़ता है, नहीं तो जम जाता है। अब इसके ऊपर हम गार्निशिंग के लिए सूखा टोकरा ग्रेट किया हुआ और ड्राई फ्रूट अच्छे से डाल देंगे और हल्के हाथ से फिर से थोड़ा दबा देंगे तो ऊपर स्टिक हो जाए। अब इसको हम आधा घंटे के लिए ठंडा होने देते यानी सेट होने देते, बाद में हम सर्व करेंगे। तो फाइनली हमारा मेथी पाक रेडी हो गया है, तो हम सर्व करते हैं। ये रेसिपी आप घर पे ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करना और मेरी चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।